हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमर्सिबल पंप यानी कि बोरवेल का मोटर कितना एम्पीयर लेता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है मोहम्मद इरशाद, और ये मुझसे कहते हैं कि आप एक वीडियो बनाइए सबमर्सिबल पंप के ऊपर, वो कितना एम्पीयर लेता है या फिर लेना चाहिए। तो देखिए, जो मैं आपको एम्पीयर बताने वाला हूँ, ये चार मोटर के एम्पीयर बताने वाला हूँ, जिसके अंदर 0.75 एचपी यानी कि पौन एचपी का मोटर है, दूसरा जो मोटर है वो 1 एचपी का है, और जो तीसरा मोटर है वो 1.5 एचपी का है, और जो चौथा मोटर है वो 2 एचपी का है। आप देखिए, इसके अंदर जो आपको वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वो 200 से 250 के बीच में अगर आपके घर में वोल्टेज आता है, तब आपको ये जो मैं एम्पियर बता रहा हूँ वो आपको शो होंगे। और जो एम्पियर है वो बेसिकली जो करंट है उसकी यूनिट रहती है, ठीक है। यानी जो लोड आता है उसके अंदर मोटर में, जब पानी ऊपर आता है तो वो लोड को जो है एम्पियर में अपन मीटर लगा के चेक करेंगे तो आपको शो होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एम्पियर बता देता हूँ। जो 0.75 एचपी यानी कि जो पौन एचपी का जो मोटर है उसके अंदर जो मिनिमम एम्पियर है वो 5 लेती है, और जो मैक्सिमम एम्पियर है वो मोटर 8 लेती है। अगर आपका 5 से और 8 के बीच में अगर एम्पियर आ रहा है तो आपका मोटर ही बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा, मिनिमम एम्पियर से कम लिए तो क्या होगा और ज़्यादा लिए मैक्सिमम एम्पियर से तो क्या होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं दूसरे मोटर के बारे में जो कि है 1 एचपी का, और इसका जो मिनिमम एम्पियर है वो 7 है, और जो मैक्सिमम एम्पियर है वो 11 लेती है। अगर आपका मोटर ये 1 एचपी का 7 के और 11 के बीच में ले रहा है तो आपका जो मोटर है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं 1.5 एचपी मोटर के बारे में, तो जो मिनिमम एम्पियर है वो 9 लेती है, और जो मैक्सिमम एम्पियर है वो 13 लेती है। अगर 9 और 13 के बीच में अगर आपका एम्पियर आ रहा है तो मतलब यानी कि वो मोटर भी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लास्ट में अब बात करते हैं 2 एचपी मोटर के बारे में। जो 2 एचपी का मोटर रहता है वो मिनिमम 11 एम्पियर लेता है, और मैक्सिमम जो है 16-17 के आसपास में ये एम्पियर लेता है। अगर आपका जो एम्पियर है मोटर का वो बीच में इसके आ रहा है तो मोटर आपका ये सही है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, मिनिमम एम्पियर से अगर कम लिए तो क्या होगा। आपका मोटर, अभी मैंने आपको जितने भी एम्पियर्स बताया है, अगर आपका मिनिमम एम्पियर से कम आ रहा है यानी कि मान लो जैसे कि 2, 4, 3, उस कंडीशन में आपका जो मोटर है वो एम्प्टी घूम सकता है। एम्प्टी बोले तो जो पंप है हमारा और जो मोटर है उसके बीच में जो शाफ्ट लगी रहती है उसके अंदर जो चाबी आती है वो अगर टूट जाती है, फिर ख़राब हो जाती है, फिर घिस जाती है, फिर निकल जाती है, तब आपका उस कंडीशन में पंप नहीं घूमेगा, सिर्फ मोटर घूमती है, वो एम्प्टी कंडीशन होती है। उस कंडीशन में आपका 4 या 3 एम्पियर मोटर या 2 एम्पियर ले सकता है या फिर 1 भी एम्पियर ले सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मोटर खाली घूम रहा है, हम ऊपर निकाल के उसे फिर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एम्पियर से ज़्यादा ले रही है तो क्या होगा, यानी कि 20 ले रही है, 25 ले रही है, 30 एम्पियर ले रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मोटर या तो जल सकता है या फिर जाम हो सकता है। जाम कंडीशन में ज़्यादा होता है ये, तो आपको फिर मोटर ऊपर निकाल के चेक करना होगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको सोल्व करके फिर उसे दोबारा रिपेयर करना होगा। तो ये जो मैंने आपको वीडियो में मतलब एम्पियर्स जो बताया है ये सभी मैंने चेक किए हुए, इस पर पहले मैंने सबके एम्पियर चेक किए, उसके बाद ही आपको मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यही कुछ इसके अंदर मैंने आपको वीडियो में एम्पियर बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो अगर जो चैनल पर नए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।